अरे हरी आप पीछे हो जाइए, आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, यही लगेगा आप लोग पीछे बैठा कोई गिर थोड़ा जगह बना लीजिए भैया, ये थोड़ा पीछे हो जाए। जब तक उन लोगों को गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा जब तक उन लोगों को हम लोग सामने हाजिर नहीं होंगे, तब तक हम कुछ नहीं करते। ये तो प्रक्रिया का पार्ट है, इसको करने के लिए इससे आपकी मजबूती रहेगी, हम लोग की मजबूती रहेगी। जितना विलम्ब होगा कल उसका फायदा आप सभी को होता है, पोस्टमार्टम जितना विलम्ब करेंगे केस कमजोर होता है, बाकी प्रक्रिया तो सब लोग हैं उसी में लगे रहेंगे। आप और उसमें टीम गई भी है, टीम लगी भी है गिरफ्तारी के लिए, हम लोग दूसरा यहाँ गई है, टीम भी काम कर रही है, टीमें लगी हुई है। जितना विलम्ब कर रहे हैं उसमें विलम्ब हो चुका है, और विलम्ब करने से होने दीजिए, फिर आप दीजिए। नहीं रुक जाइए, हम लोग परिवार के और भी सदस्य आने उसके बाद यहाँ से हमारा भाई जाएगा। भाई कुछ भी होगा पहले हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, पहले उन पर कार्रवाई करेंगे, तब हम लोग कुछ करेंगे। नहीं नहीं सर, हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे अभी, नहीं तारीर हम सब देंगे, एक बार हम लोगों को सबको बुला लेते हैं। बताइए परीक्षा दे रहे हैं उसको बेहरामी से मारे स्टंप पर बैठ, आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं हमको बोला था अभी 10 दिन पहले एक किसी की हत्या हुई थी, उसी बिहार से आया हुआ था, तो हत्या कर दी गई। इस तरह से क्या चल रहा है इस जिला में, बताइए ना इस जिला में क्या चल रहा है सर, बताइए। हमारा भाई उतरा तो पंचायत ने ये लोग मार दिया वहाँ पे। अरे तुम बताओ, बिल्कुल आपने कष्ट दिया है, बात बताइए क्या चल रहा है। या तो हमें जगह था, हम लोग की चिंता नहीं छोड़ गए, कोई नहीं था, इसको भी मार दिया गया, ये क्या चल रहा है? चंद्र राज में चले तो क्या चल रहा है बताइए सर, कुछ कार्रवाई नहीं होगी, फाइल में मतलब जाएगी जाएगी उसको सर। आप लोग नहीं सर आप बताइए, एक उसको हत्या कर दी सबके सामने, हत्या हो रही है 10 दिन पहले सर, बिहार का लड़का रहता है उसको मार दिया गया, क्या चल रहा है सर बलिया में, क्या चल रहा है आप बताइए, कैसी व्यवस्था है सर बताइए, ये क्या चल रहा है? यादव होने के नाते आप लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे? नहीं ऐसी ये चीज़, ये चीज़ गलत, इसको मत लेके जाओ, नहीं गलत लेके नहीं जा रहे साहब, यही बात है, अल्लाह ने भी कह रहा है, उसको बार बार धमकी वो लोग दे रहे थे, बार बार धमकी दे रहे थे। बताया नहीं कभी किसी से, हमारे पास करना चाहिए, हमारे पास पुष्प साहब, हम लोग ये बलिया के एसपी साहब पहचानते हैं, पहचानते हैं हमारी बात है। स्थिति है कि घटना हो गई, तो लड़का हम जब जिला अध्यक्ष बन करके तो हमारे साथ कंधा पर भी उठाया था, हम अब दुनिया में क्या कहें, अब वो इतना बढ़िया लड़का था, कोई ऐसा लड़का मिल जाए किसी पार्टी का जो इसको गाली भी दिया होगा। सुन लीजिए साहब, इतने अनुरोध है कि जितना ये तहरीर दे रहे हैं, जो भी उसमें दोषी है उस दोषी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, वो जेल जाए, अब इससे ज्यादा हम लोग आज क्या कर सकते हैं, फिर आगे देखा जेल भी जाएगा, गैंगस्टर भी लगे उस पर कार्रवाई होगी। आइंदा बलिया के इतिहास में, पहले भी मैं कहा था बलिया के इतिहास में ऐसा कभी घटना नहीं होगी, एक छात्र नेता की हत्या करे, पहले कभी ऐसा नहीं होता, कभी नहीं, ये पहली बार बलिया के इतिहास में ऐसा। तो इस पर हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको ये प्रक्रिया आगे हम शुरू करें, हम तहरीर तहरीर दीजिए, मुकदमा कायम हो, वो सब जेल जाए। नाम बताया जब हम लोग जा रहे थे ना, राजीव इनको राजकपूर नहीं, हम जा रहे थे उसके साथ,
पापा भेजो ना, पूरे पिताजी है ना उनको लीजिए, गाड़ी को वहीं भिजवाइए ना, यहाँ आगे आगे उसमें जो सही हो जो मारा हो उसी का नाम दीजिएगा, ध्यान गार्जियन नहीं है ना कोई, सरकार जाएंगे पकड़ जाएंगे अभी तो दूर है ना, इनको जानकारी है ना कि कौन कौन मारे हैं, बात कर लेते जो मारा उसका नाम आगे चाचा आ रहा है इधर है गाड़ी गाड़ी रह जाइए चलिए चलिए आगे बढ़िए, बढ़िए तेज बढ़िए, करते हैं। ये जो परिस्थिति है ये छात्र नेता थे और छात्र नेता की पहली बार इस तरह से हत्या की गई है, ये सज्जन और बहुत शरीफ छात्र नेता थे और जो बलिया में ऐसा कभी होता नहीं था। हम यही सिर्फ चाहेंगे कि जो इसमें दोषी हो उस पर गुंडा एक गैंगस्टर लगे और 302 का मुलजिम बने और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। घटना क्या हुई थी? घटना तो सिंपल घटना है, वो परीक्षा देने गया था लड़का, उसके बाद लाठी और डंडा से लोग मारे, मारने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, बैट से लोग मारे। कहाँ की घटना है? ये आपका एसी कॉलेज के बगल की घटना है। जो लड़का एक्सपायर हुआ है इससे ये साबित हो रहा है कि इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, इसमें अपराधियों का बोलबाल काफ़ी बढ़ा हुआ है और सरकार ये बिल्कुल गुंडा अपराधी की जहाँ बात कर रही है इसमें गुंडा अपराधी को मन ये पता है कि वो कौन लोग थे जो भी होगा वो एसपी साहब उसमें करेंगे जी। जो भी कार्रवाई हुई पुलिस अधीक्षक साहब करेंगे, मुझे भरोसा है कि अच्छा करेंगे।